विषय की ओर आते हुए आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा की महिमा क्या है। देखिए, वैसे तो प्रतिदिन हर व्यक्ति अपने घर में दैनिक पूजा पाठ करता है, कहीं ना कहीं वो अपने घर में देव स्थल भी बनाता है और वहां हनुमान जी की ध्यान उपासना जरूर करता है। तो आप ये जान लीजिए कि हनुमान चालीसा की महिमा क्या है। हमारी दैनिक पूजा पाठ में हनुमान चालीसा का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। हनुमान चालीसा के सरल शब्दों से राम भक्त हनुमान जी को आप आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान जी को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा, इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा पूर्वक करके कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की कृपा बहुत आसानी से और कम समय में प्राप्त कर लेता है। अब आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा को करने की सरल विधि क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति इस विधि को नहीं अपना पाता, लेकिन आप सही विधि से करेंगे तो हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम की कृपा आप पर अवश्य होगी। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो पाठ करने से पहले आप स्नान कर लें, साफ कपड़े पहन लें, काले नीले रंग के वस्त्र का प्रयोग बिल्कुल ना करें। स्नान करके पूर्व या दक्षिण दिशा में आप किसी लाल आसन पर बैठ जाएं। हनुमान जी का कोई भी चित्र या फोटो आपके पास है तो आप उसे स्थापित कर लीजिए, किसी लाल आसन पर स्थापित करिएगा। थोड़े से वहां पर आपको चावल रखने होंगे, गाय के घी का एक दीपक उनके सामने जलाइए और एक तांबे के लोटे में जल भरकर हनुमान जी के समक्ष आप रख दीजिए। हनुमान जी के सामने 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। गुड़ और चने का भोग लगाइए या फिर बूंदी के लड्डू का आप भोग लगा सकते हैं। ऐसा लगातार 11 मंगलवार या शनिवार करने से हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ में आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। वैसे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो आपको जरूर बरतनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा स्नान करके साफ कपड़े पहनकर ही आपको करना है। गंदे या पहले से पहने हुए कपड़े आप बिल्कुल ना पहने, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शराब और मांस मदिरा से आपको दूर रहना है। गरिष्ठ भोजन, प्याज लहसुन, ये तमाम जो तामसिक जो चीजें हैं, इनसे आप बिल्कुल दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा से कैसे आपको ढेरों फायदे मिल सकते हैं। देखिए, आप बहुत मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रयास करते रहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े लिखे, खूब आगे बढ़े। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो हनुमान चालीसा आपके लिए चमत्कारी जरूर साबित होगी। क्या करना है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस पंक्ति को लगातार 11 बार बच्चों से पढ़ाई करने से पहले आप करवाइए, लगातार 27 दिन कराइए। ऐसा करने से बहुत लाभ होगा और कहीं ना कहीं आपके बच्चे का मन एकाग्र होगा, उसका मन पढ़ाई में लगेगा और वो इधर उधर भटकाव की स्थिति में बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, कभी कभी आप अकारण ही मन में डर पाल लेते हैं और मन में अकारण डर कहीं ना कहीं आपको बीमार कर सकता है। तो आपके मन में भी यदि भय है, डर है, तो क्या करना है? हनुमान जी की उपासना करिए और बोलिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पंक्ति का 27 बार पाठ करने से, जाप करने से किसी भी व्यक्ति के मन का भय, डर, फोबिया बिल्कुल दूर हो जाता है, तो इसका अनुसरण आप जरूर करें। कभी कभी व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, प्रयास करता है, उसका कार्य नहीं बन पाता, मन में उदासी आ जाती है, तो अपने प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए आपको क्या करना है? भीम रूप धरी असुर संघारे, सियाराम जी के काज सवारे। इस पंक्ति को किसी भी कार्य को करने से पहले कम से कम 13 बार इसका जाप करिए, आपका कार्य अवश्य बनेगा। अगर आप काफी समय से बीमार हैं, बहुत बार आपने डॉक्टर बदल लिया है लेकिन आपकी बीमारी नहीं ठीक हो पाई, क्या करना है?
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस पंक्ति का कम से कम दवा लेने से पहले 7 बार जाप कर लीजिएगा और लगातार करते रहिएगा जब तक आपकी बीमारी खत्म ना हो जाए। यकीन मानिए मित्रों, ये छोटी सी पंक्ति, ये छोटा सा हनुमान जी का ध्यान करने का प्रयास आपको स्वस्थ जरूर करेगा। मित्रों, यदि आपके प्राणों पर कभी अचानक संकट आ जाए, आप कभी मुसीबत में पड़ जाएं या बहुत परेशानी हो जाए तो क्या कहना है? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जब तक आपके संकट कट ना जाएं, तब तक लगातार आप ये जाप करते रहिएगा। यकीन मानिए मित्रों, इस जाप से आप हर दुख परेशानी संकट से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे और हनुमान जी का ध्यान आपको करते रहना है।